छात्रों के तमाम विरोध के बावजूद नीट और जेई की परीक्षा कराई जा रही है। छात्र परेशान थे कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक कैसे जाएंगे। उनकी इस दुविधा को दूर किया है रेलवे मंत्री ने। जी हाँ, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों को स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। तो छात्रों को और क्या सहूलियत मिलने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट और जेई की परीक्षा को लेकर तमाम विवाद खड़े हुए थे। छात्रों ने इसका पुरजोर विरोध भी किया, लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद मुहर लग गई। पीयूष गोयल ने नीट और जेई की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले मुंबई में भी स्पेशल लोकल ट्रेन चलवाने की अनुमति दी थी और अब बिहार में छात्रों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी MEMU DEMU स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, भारतीय रेलवे ने बिहार में JEE मेंस नीट और NDA की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी MEMU DEMU स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन में टिकट खरीदने के लिए स्टूडेंट्स और अभिभावकों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि संबंधित मार्गों पर स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर होंगे और टिकट UTS मोबाइल टिकट ऐप पर भी खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के साथ एक अभिभावक को भी परीक्षा के दिनों में सफर करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा। बता दें कि JEE के लिए लगभग 8,58,000 और नीट के लिए 15,97,000 छात्रों ने पंजीकरण किया है। ये परीक्षाएं पहले ही महामारी के कारण 2 बार स्थगित की जा चुकी हैं। तो अब देखना होगा कि रेलवे की ये सौगात छात्रों के लिए कितनी लाभदायक साबित होती है। DB Live की रिपोर्ट।